नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एम्स भोपाल वैकेंसी के बारे में। न्यू यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है ग्रुप सी के लिए आवेदन किया था, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है। एक डेढ़ महीने पहले यहाँ पर जो ये वैकेंसीज आई थी, डेढ़ दो महीने पहले, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था। यहाँ पे ग्रुप सी की ये पोस्टें थी, तो यहाँ पर जो है इसके फॉर्म भी काफ़ी लोग ने फिलअप किए थे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन निकल कर आया है, न्यू अपडेट यहाँ पर निकल कर आई, क्योंकि जो वैकेंसीज है इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया हुआ है। तो कैंसिलेशन नोटिस में क्या दिया गया हुआ है, यहाँ पर जो है क्या पूरा इसमें मामला है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी जॉब अपडेट वीडियो मिस ना हो जाए। सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। जैसे यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा। इसमें यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। उसके नीचे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 175 में रिक्रूटमेंट ऑफ सी ग्रुप सी, उसके बाद नॉन फैटल्टी डोमेन स्पेसिफाई पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ऑफ एम्स भोपाल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई, यहाँ पे जो बटन यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है आप लोग काफ़ी लोगों ने इसमें आवेदन किया था फ्रेंड्स। 20 नवंबर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट थी, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है अभी न्यू आ रहा है कैंसिलेशन नोटिस। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर कैंसिलेशन नोटिस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो है इसका PDF यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब वहाँ पर क्या दिया हुआ है वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल 10/11/2023 को यहाँ पर आया है, ठीक है। इन हेली बाय इन्फॉर्म डेट द एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर का बोला गया हुआ है, ठीक है। कौन सी वैकेंसी थी, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ADM 23, ठीक है, एम्स भोपाल का था। अब यही यहाँ पर आपको ADM देखने को मिल जाएगा, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर बोला गया हुआ है डेटेड 25/10/20 पब्लिश टू द न्यूज़पेपर 27/10/2023 आर आल्सो अपलोडेड ऑफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर फिलिंग 357 ग्रुप सी नॉन फैटल्टी डोमेन स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफ 26 डिफरेंट कैडर्स, ठीक है, ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस टू अ कैंसिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। एप्लीकेशन फीस टू अ कैंडिडेट दोस हु ऑलरेडी अप्लाई टू अगेंस्ट एडमिशन शैल बी रिफंडेड। तो आपको यहाँ पर जो रिफंडेड में मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी दिस इशू वाज अप्रूवल टू एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एम्स भोपाल विद फाइल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो इसमें साइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है ये कैंसिल हो चुकी, कैंसिलेशन नोटिस यहाँ पर जारी किया गया हुआ है, जिसमें ग्रुप यहाँ पे जो है सी की पोस्ट थी नॉन फैकल्टी की, ठीक है, जो कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इसमें आवेदन किया था, जिसका आप नोटिफिकेशन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, जिसमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी सैलरी थी और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी थी। वैकेंसी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ आप वैकेंसीज देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक पोस्ट थी फ्रेंड्स। पर अभी यहाँ पर जो किसी रीज़न के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया हुआ है, तो मैंने लगा इस पर एक फुल वीडियो बनाया जाए, जिसमें आपको यहाँ पर डिटेल्स सारी बताई जाए, क्योंकि ऐसे काफ़ी यहाँ पर जो है मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन लोगों को यहाँ पर इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोग को जिनको इस बारे में पता नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।